अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तानी सोपे कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से होंदा। आई जेका रेसिपीज ठाहींदियूं आहिनि पैसिफिक कुकिंग ऑयल सां गॾु विटामिन ए ऐं डी खां भरपूर, कोलेस्ट्रोल खे कंट्रोल कंदो आहे बहितरीन कुकिंग ऑयल, पंहिंजनि जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल। हुन सां गॾु अचार बि आहे, तमामु मज़ेदार नेशनल जो अचार आहे। ऐं नेशनल तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़ी तमामु ज़बरदस्त मल्टी नेशनल कंपनी आहे, जेको हर जॻह पूरी वर्ल्ड में हिननि जा मसाला वेंदा आहिनि। त अचार हिते मौजूदु आहे, तव्हां ॾिसी सघो था। हिनजो अचार वठो। हाणे गर्मियुनि में अचार जो इस्तेमालु असां कंदा आहियूं दालि चांवर सां गॾु, मानी सां गॾु। उहो बि अचार हर घर में ई ज़रूरत हूंदी आहे। त नेशनल जो अचार तव्हां वठो, काफ़ी सारी वैरायटी हिन में मिली थी वञे। मिक्स अचार बि आहिनि, डिफरेंट क़िस्म जा अलॻि फ्लेवर में अचार तव्हांखे मिली वेंदा, ठीकु आहे। ऐं अॼु मां ठाहियां पियो मलाई बूटी। हिन जी फरमाइश हुई तमामु घणी मलाई बूटी जी, मलाई बूटी ठाहिणु सिखायां पियो। पहिरीं बि ठाहियूं आहिनि, लेकिन वरी तव्हां सां गॾु शेयर कयां पियो। जंहिं जंहिं अॼु न ॾिठो हूंदो वरी उहो सिखी सघनि थियूं। स्ट्रॉबेरी जो सीज़न आहे, कल मां स्ट्रॉबेरी योगर्ट ठाही हुई, अॼु मां स्मूदी ठाहियां पियो। इहे बि ड्रिंक आहे, बनाना स्ट्रॉबेरी स्मूदी, यानी केला ऐं स्ट्रॉबेरी सां गॾु इहा ड्रिंक ठहंदी। तमामु ज़बरदस्त ॿारनि जे लाइ त बहितरीन आहे इहा ड्रिंक, ॿारनि खे ॾींदा कयो। ऐं सुबुह जो 11:45 ते रिपीट हलंदो कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज आहे, उते रेसिपी अपलोड थी वेंदी। ऐं इहो ई सॼो प्रोग्राम जेको अगरि तव्हां यूट्यूब ते ॾिसणु चाहियो था वीडियो, त यूट्यूब ते तव्हां सर्च कंदो कुकिंग विद शेफ फैसल सिंध टीवी HD, ठीकु आहे। कंटिन्यू लिखिजो, स्पेस न ॾिजो, त पोइ तव्हांखे वीडियो मिली वेंदी। ॿ टे वीडियो जेको असांजो हाणे अपलोड थी वियूं आहिनि, उहो तव्हां ॾिसी सघो था, ठीकु आहे। अची जो रेसिपीज़ बना रहे पैसिफिक कुकिंग ऑयल के साथ, विटामिन ए यू डी से भरपूर, कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है बेहतरीन कुकिंग ऑयल, अपनों का प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल, और इनका बनस्पति घी भी बहुत अच्छा है। नेशनल का अचार हमारे साथ है, नेशनल की बड़ी ज़बरदस्त आपको पता है इनकी ब्रांड्स हैं, और इनकी काफ़ी सारी वसी रेंज है मसालों में भी हर तरह की, और अचार बहुत ही ज़बरदस्त इनका पैकिंग में। मैं हमें 1 किलो का ये जार है, इस तरह के डिफरेंट हैं। ये आम का अचार है, इसमें डिफरेंट आपको वेजिटेबल्स के अचार मिलेंगे, आप लोग ले इंजॉय करें। आज की जो रेसिपीज़ बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ मलाई बोटी। मलाई बोटी की फरमाइश भी थी, पहले भी मैं बना चुका हूँ, तो मलाई बोटी आपके साथ शेयर करूँ। 1/2 kg की रेसिपी होगी, और सारे वही मसाले होते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। उसके साथ मैं बनाऊँगा स्मूदी, कल मैंने आपको बनाना सिखाई थी स्ट्रॉबेरी योगर्ट, आज मैं बना रहा हूँ बनाना स्ट्रॉबेरी स्मूदी, ठीक है। दोनों ईजी रेसिपीज़ हैं, 11:05 पर रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ मेरा पेज, वहाँ मैसेजेस भी कर सकते हैं, वहाँ रेसिपी अपलोड भी हो जाती हैं। और उसके साथ अगर आप वीडियो देखना चाहती हैं तो यूट्यूब पे आप सर्च करेंगी कुकिंग विद शेफ फैसल सिंध टीवी HD, स्पेस नहीं देना है, कुकिंग विद शेफ फैसल सिंध टीवी HD पे आपको वीडियो मिल जाएगी। कॉल भी उठूँगा, अस्सलाम वालेकुम। ओके, ड्रॉप थी भैया। अच्छा, किलो अधु किलो, अच्छा हिनमें बोनलेस भी आहे, बग़ैर हॾी जे बि आहे, बग़ैर हॾी जे बि करे सघो था, ऐं हॾी वारी बि करे सघो था। ज़रूरी न आहे की बग़ैर हॾी जी ई बूटी हुजे। हे मां छा खई आहियां, सीने जो जेको पीस हूंदो आहे जंहिंखे गोल्डन पीस चवंदा आहिनि, हिनमें हल्की बूटी हूंदी आहे, ठीकु आहे, हॾी हल्की हूंदी आहे। त इहा 1/2 किलो आहे, ऐं बूटियूं जी थोरी वॾियूं कराइजो, सफ़ा नंढियूं न अचनि, ठीकु आहे। 1/2 किलो खां 3 पाजो इहो मसालो जेको मां ठाहींदमि, इहो आहे, ठीक है। मैंने क्या किया, गोल्डन पीस लिया, हड्डी वाली भी बनती हैं और बोनलेस भी बनती हैं मलाई बोटी। मैंने क्या किया, जो आजकल गोल्डन पीस मिलते हैं जिसमें हल्का सा सीने का पूरा पीस होता है, हल्की सी उसमें हड्डी होती है कड़क सी, तो वो मैंने लिया है, उसके मैंने इसके पीसेस करा दें। 1/2 किलो या 3 पाव आप यूज़ कर सकती हैं। इसमें अंदर जो मसाले जाएंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा, लहसुन अदरक, ठीक है, इनको हम पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे। दही जाएगी, फ्रेश क्रीम जाएगी, मक्खन जाएगा, लेमन जूस, कुटी लाल मिर्च, पिसा भुना हुआ धनिया और नमक, काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, बस यही मसाले हैं। और पैसिफिक कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून जाएगा, ठीक है। मसाला मां स्टार्ट कयां थो, ऐं विझंदो वेंदुमि, उहो तव्हां ॾिसंदा वेंदा। 1/2 किलो असां हिते छा खई आहियां, चिकन, ठीकु आहे। हिन जे लाइ जेको साओ मसालो ठहंदो उहो पहिरें पीसे था छॾूं, सावा मिर्च, ठीकु आहे, पेस्ट बना लेते हैं। हरी मिर्च तकरीबन इतनी होनी चाहिए कि 2 टेबल स्पून, या तो अलग से कि आप कूट लें। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 4 अदद हरी मिर्चें डाल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी ना हो स्पाइसी, लेकिन क्रीम है तो इसलिए हरी मिर्चें बैलेंस हो जाएंगी। 4 अदद हरी मिर्च चली गई, 2 टेबल स्पून पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। लहसुन के जवे इसमें जाएंगे, बड़े वाले 1 टेबल स्पून जितना लहसुन होना चाहिए। लहसुन को थोड़ा सा कश करके डालते हैं, ठीक है। थूम थोड़ी, तव्हां पाण उखरी मोरी में कुटे वठिजो, हिते मोट न आहे, यूज़ नथा करे सघूं, त हिन करे मां हिनखे हिते विझां पियो ग्राइंडर में, ठीकु आहे। अदरक हिन सां गॾु वेंदी, अदरक जो एतिरो पीस खणिजो कि अदरक जॾहिं कटिंग थिए या पेस्ट, जीअं पेस्ट भी विझी सघो था, ठीकु आहे। मूं वटि पेस्ट न आहे त मां हिनखे चॉप कयां पियो, तव्हां वटि पेस्ट हुजे त पोइ पेस्ट विझिजो। कॉल वठूं था, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम फैसल, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप क्या हाल हैं? आप क्या बताएं? बस थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आपकी रेसिपी ट्राई नहीं करी। अच्छा, और अच्छा। बस ये कि आप लोगों का बहुत मिस किया हमने प्रोग्राम। अच्छा। तो खैर देख रहे थे हम, एसएमएस अच्छा। कर रही थी मैं, और जो है बिल्कुल बोरियत हो गई थी, आदत थी ना फोन करने की। हाँ, वो बिल्कुल क्वाइट हो गया था प्रोग्राम ना। हाँ बिल्कुल, और मैंने करा भी, कोशिश भी करती रही मैं, तो फिर किसी, मेरे ख्याल में फोन ऑपरेटर ने, किसी ने फोन उठाया था, सही कर रहे थे वो। हाँ नहीं, हम लाइने जो है ना खराब है, हम लोग सही कर रहे हैं। आपने, मैंने कहा नहीं, मैंने सिन टीवी फोन किया था, तो असल में वो लाइन है, हम लोग सही कर रहे हैं। असल में क्या है, शारा है फैसल पे ना, ये जो रोड डल रहे हैं, तो उस वजह से वो लाइन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, दो आपकी रेसिपी कल की भी मैंने देख सकी, क्योंकि मैं डॉक्टर के घर गई हुई थी क्लिनिक। अच्छा, उसके बाद मैंने आके फिर वो रिपीट में देखा 11 बजे सुबह। अच्छा, आप अब उस पे YouTube पे भी देख सकती हैं ना, मैंने बताया YouTube पे भी। हां नहीं, मैंने आपकी रेसिपी ले ली, कल आपने वो बनाया था ना सिंधी पुलाव। जी जी, सिंधी पुलाव, और वो क्या नाम है, लस्सी बनाई थी स्ट्रॉबेरी की, स्ट्रॉबेरी की लस्सी। जी हाँ, वो मेरे जो है ना कल ले लिया प्रोग्राम। अच्छा, बाकी सबको सलाम मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम, सबकी बहुत याद आई आपके पूरे चैनल वालों की। अच्छा, चले अच्छी बात है, याद करते हैं। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फरजाना। अच्छा, इनके थोड़ा मैं पानी भी दूँ, ठीक है? थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस पेस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? हल्का सा एक टेबल स्पून मैंने पानी डाला। हरी मिर्चें कितनी लिए, 4 अदरक, अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। ये हो गया, इसके अंदर पेस्ट डाल दिया, ठीक है? पेस्ट इनके अंदर हले हो गया। छाछा मैं यूज़ करो, 4 अदरक बारीक वाला टे खड़ी वजो, थुला वाला फिका होता है, थोड़ा मिर्च वो 4 खड़ी वजो, ठीक है? ऐं अदरक थूम जो पेस्ट जितरो 2 टेबल स्पून जितरो होजन खपे, तो मैं 4 घणी वडियो थूम जी खयो, अगर देसी थूम आए तो पो ता 6 का 8 खणी जो गणियो, ठीक है? बारीक वारियो अदरक जो वडो एकडो पीस खणचो, 2 इंच जितरो चॉप करे, 3 इंच इनके 2 चमचा पानी विजे, इनके वधिक पानी ना होजन खपे, ठीक है? चिकन में यो विजो विजी छड़ियो। अब इसमें क्या डालेंगे, दही 2 टेबल स्पून, 2 खाने के चम्मच, दही में पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है? लेमन जूस जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून, लीमे जो रस 2 टेबल स्पून, ये वो लीमो है तो मैं एकड़ो पूरा विझा पो, ठीक है? 2 खाने जा चमचा लीमे जो रस, 2 खाने जा चमचा इनमें दही, 4 अदद सावा मिर्च, अगर बारीक सावा मिर्च है तो 3 करी छो, थुला वाला तो 4 के छो, ठीक है? अदरक तुम जो पेस्ट 2 खाने जा चमचन जितो हो, सब शूँ मिलाए पीसे इनमें विझी छो, इनमें दही हली वही। हाँ इनमें विझासी मसाला, लेमन जूस हलो वो, लूण 1/2 चाय जो चमचो, नमक 1/2 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई या पिसी हुई 1/2 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा भुना कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, ठीक है? वरी रिपीट कराए हुए इनमें छा शूँ विधियो। अच्छा, मलाई जो है फ्रेश क्रीम वो आखिर में विझबी हिं ना, ठीक है? वरी रिपीट कराए पर मैं छाछा वही हुआ, 1/2 किलो चिकन हुई बोनलेस, या तुम वो खड़ी वो गोल्डन पीस जो होंगे सीने जो बूटियों कराई वो हड्डी से गड, सावा मिर्च 3 अदद पीसे विझी छो, अदरक थूम जो पेस्ट 2 खाने जा चमचा इनमें विझी छो, ठीक है? उनसा गड कुटियल गाढ़ा मिर्च 1/2 चाय जो चमचो, लूण 1/2 चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो, आई अच्छो जीरो भुनियल कुटियल 1 खाने जो चमचो या 2 खाने जा 2 चाय जो चमचा कई छो, ठीक है? कारा मिर्च में पीठल या कुटियल वेंदा 1/2 चाय जो चमचो, आई दही 2 खाने जा चमचा, लेमन जूस यानी लीमे जो रस 2 खाने जा चमचा, आई इनके 1/2 कलाक तां रखंदा, लेकिन मां मैरिनेट करे रखा ना पियो, छकण दा टाइम असा जो लिमिटेड हुंदो आ, तां के सजी रेसिपी कंटिन्यू करे पूरी दिखारणी हुंदी आ पूरी फाइनली, त इन करे तां 1/2 कलाक रखजो, लेकिन मां इनके बस 2 मिंट ते रखा तो पो इनके फ्राइंग पैन में रखंदा सी। कॉल वठू ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मलाई बोटी बना रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। अच्छा, मुझे एक दफ़ा आपसे फरमाइश भी करनी है, एक चटनी होती है उसकी शिमला मिर्च की, शिमला मिर्च की चटनी, ठीक है जी, तो वो हम लोग को सिखा दीजिएगा जरा शिमला मिर्च की चटनी बनाना। अच्छा, शिमला मिर्च की चटनी स्पाइसी आप कह रही हैं? जी जी ठीक है। एक मैंने कही कि बहुत पहले की बात है, एक किसी शेफ ने बताई थी, उसको चूल्हे पे जला के भी पता नहीं किस तरह से चला। ओके ओके ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, मैं बना दूंगा, ठीक है, जल्द बना दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा ब्रेक जो टाइम थे कर देना जो शॉर्ट ब्रेक बट हूँ ब्रेक का पहुंचे रेसिपी कंटिन्यू करना से। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका मलाई बूटी खे असां मैरिनेट कयो ऐं हाणे ठाहींदासीं पैसिफिक कुकिंग ऑयल सां गॾु हिनखे। वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर कोलेस्ट्रोल खे कंट्रोल कंदो आहे बहितरीन कुकिंग ऑयल पंहिंजनि जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल। हाणे फ्राइंग पैन में 4 टेबल स्पून पैसिफिक कुकिंग ऑयल वेंदो, ठीकु आहे। सिर्फ़ 4 टेबल स्पून मापे विझिजो, मां अंदाज़े सां विझां पियो, वधीक न थी वञे, ठीकु आहे। बिल्कुलु हिसाब सां रखिजो, 4 खाइण जा चमचा पैसिफिक कुकिंग ऑयल फ्राइंग पैन या तए जे मथां ग्रीस कजो। वधीक ऑयल हूंदो त पोइ उहो फ्राई थी वेंदी, फ्राई न करणियूं, शैलो फ्राई करणियूं आहिनि, यानी स्टर फ्राई करणियूं आहिनि, ठीकु है। बिल्कुलु कम 4 टेबल स्पून आपने पैसिफिक कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, इस तरह ग्रीस हो जाए ताकि बहुत ज़्यादा हमने इसे फ्राई नहीं करना। ये शैलो फ्राई होती हैं या स्टर फ्राई आप कह सकती हैं, दोनों में से कुछ भी। इस तरह तेज़ किया चूल्हा, बहुत ज़्यादा ऑयल जले ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को जो मैरिनेट करके 30 मिनट आपने रखा था, इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने ऑयल में उतार देना है, ठीक है। इस तरह सारा मसाला उतारें, जो उसमें मैरिनेशन का मसाला है वो सारा साथ ही उतार दें, इसको फैला दें इस तरह, ठीक है। ये देखो इन तरीके से फैलाइंदो और फौरन इनके मथा कवर रखो, हल्की बाहे ते 10 मिनट तक इनके छड़ंदो ताकि चिकन जी स्टीम ठंदी, पांजो इन जो पानी है उनमें गरी वेंदी, पानी छड़ंदी, पानी दही जो चिकन जो पानी निकरंदो, सायो मसालो जेको पीठो पीठल है उनजो पानी निकरंदो, उनका पो ये जो ड्राई थिंदो ऑयल मथे जो पो इनमें फ्रेश क्रीम विझी इनके दम ते रखंदासे। बिल्कुल ईजी है रेसिपी। आई कोयले जी धुनी डिबी, कोयलो रखल है घर में वठी रखी छो साफ सुथरो एकड़ो, पो जडे जो धुनी देण का पोए इनके वापस थदो कयो, रखी छो पानी जो छंडो हणी थदो थी वेंदो, इनके वापस वेड़े कागज में रखी छो, वरी नेक्स्ट टाइम तुम यूज़ कर सको था। एकड़ो कोयलो रखंदा, क्योंकि काफ़ी अड़ा खाधा हूँ इनमें जरूरत होंगी है। नेशनल जो अचार असा सा गड है, जबरदस्त फ्लेवर में तमाम सुठो, एक ये दिसो पे एक पूरा एक किलो अचार जो ये जार है, ठीक है। यो तुम सको वो हर जगह अवेलेबल है, यो अचार आप ये लें नेशनल का अचार, ठीक है। इसका जार आप देख सकती हैं, ये पूरा 1 kg का आम का अचार है, इसमें मिक्स भी आ रहा है, डिफरेंट फ्लेवर्स में आ रहा है, आप इसको लें, बहुत ही मज़ेदार अचार होता है नेशनल का। और इनके काफ़ी वसी रेंज है मसालों की, तो वो भी आप देख सकती हैं मार्केट में। घर में खुले मसाले हम लेते हैं तो उससे बेहतर है आप नेशनल के मसाले यूज़ करें। तो अब इसको हमने कवर कर दिया, ठीक है। इन्हें कवर कंदासी 10 मिनट लाए, वरी रेसिपी भी तक रिपीट करायूँ था। स्मूदी ठहंदी, इनमें खीर न विझबो है, जो असं मिल्क शेक ठाहींदा आहियूं हुन में खीर जो इस्तेमाल थींदो आहे। स्मूदी में खीर जो इस्तेमाल न थींदो आहे, क्रीम विझी सघो था, क्रीम विझो, या पोइ आहे न सिर्फ़ फ्रूट के ब्लेंड कबो आहे, बिल्कुल घाटी या ठहंदी आहे स्मूदी, ठीक आहे। स्मूदी के लिए हमने क्या लेना है, 1 कप जितने स्ट्रॉबेरी यानी 1 पाव है तकरीबन, 3 अदद केले, 1/2 कप हमने लेना है फ्रेश क्रीम, 1/2 पैकेट होगा, ठीक है। चीनी हसबे ज़रूरत 2 से 3 टेबल स्पून डलेगी, और 1 से 1.5 कप बर्फ़, इसमें आइसिंग ज़्यादा होती है, आइस क्यूब्स होते हैं जो पूरी एक ट्रे होती है वो पूरी डाल दें, तकरीबन 1.5 कप बर्फ़ होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक ठाक, कह रहे हैं कितना गलायो पे आप? मैं पाना गलाया थी, पहले बच कर गए तो गलायो आई। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन प्रोग्राम दिसो पे आप? प्रोग्राम ऐसे थोड़े दो आए मां में चैलेंज दी रहती है। मेहरबानी का फरमाइश है ता जी। हां मां के अचार गोश्त है, अचार गोश्त ठाई से खा रहे हैं, ठीक है। मां नोट करे तो ठा, थोड़ो वेट का जो 1-2 वीक में पोठाइंदा सी, ठीक है जी। हां ठीक है दी, थैंक यू, मेहरबानी। अच्छा ॾिसो हिन जो पाणी निकिरे थो, ठीकु आहे। चिकन जो ऐं मसालनि जो पाणी फौरन कवर करण खां छा थींदो, स्टीम ठहंदी आहे चिकन का और मसाले का जो पाणी निकल, ज़्यादा स्पून न चलाएं क्योंकि जो मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है वो लगा रहा है। अगर आप ज़्यादा स्पून चलाएंगी क्या होगा कि मसाला जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा, साइड्स में चिकन से हट जाएगा, तो इस तरह मसाला इस पर चिपक भी जाएगा और पकती भी रहेगी, फ्लेवर जाता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें फ्रेश क्रीम डालना है 1/2 पैकेट, जब बिल्कुल ये तैयार हो जाएगी, गल जाएगी, पानी ड्राई हो जाएगा, और उसके बाद लास्ट में इसको मक्खन थोड़ा सा डाल के ब्रश कर दें निकाल के, या फिर ऊपर से मक्खन डाल दें, कोयले का स्मोक देंगे, ठीक है। रेसिपी मैं रिपीट कराया तो आई मैसेजेस से भी अचूँ था, मैं रेसिपी में छा छा है कि 1/2 किलो का ट्रे पर असा खणंदासीं चिकन,
बोनलेस खड़ी वो या पो सीने जो पीस खड़ो इनमें लेग पीस जो हड्डी होंगी यानी लेग पीस जो टंग जो हिस्सों होंगे वो न खो वो कच्चो रह तो वे उनमें ब्लड रह तो वे अगर वो आए लेग पीस तुम खो पे ड्रम स्टिक्स वाली बूटियों खो पे तो उनके मैरिनेशन तुम टे का चार कलाक कजो अंदर तई हमेशा तुम ठो बारबिक्यू जो तिको हों लेग पीस जो असा हों हमेशा कच्चा रहता ब्रोस्ट में इन कर मैरिनेशन टाइम जो होंगी वह अस घट रखा जी उनके टाइम दी मैरिनेट यानी मसाल में विझी रख एतो सुठो अंदर तीन फ्लेवर वो जो रत हों वो खत्म थी वो ठीक है मसाले से गुड तो इन कर कोशिश कह सीने जो चिकन जो बोनलेस हों वो यूज़ कर या सीने जो पीस जो है वो यूज़ कर हड्डी वो ठीक है उनका कोई फर्क न विंग्स में भी तुम ये रेसिपी कर सको सिर्फ अच्छा मलाई बूटी बीफ में भी ठहे थी वो भी बुधाई छा बीफ ए मटन में भी ठहंदी है बीफ ए मटन में यानी गहू के गोश में या बकरे के गोश में ठाई करो कच्चो पपीतो जो हों ठीक है कच्चे पपीते जो पेस्ट ठाई बखण जहा चमचा या पो पको पपीतो जो अस खाइंदा उनकी खल विझबी है ठीक है वो अंदर वो जो खाने वो हिस्सों है वो ना सिर्फ उनकी खल के पीसे ब खाने जहा चमचा वो विझी छो मैरिनेट कर बीफ या मटन के चार का छह कलाक रखो पवो वो फौरन ना थो चिकन अस अध कलाक रखी कंदा लेकिन उनके चार का छह कलाक तुम रखो या सजो ढी रखी छो सुबह का ठाई शाम तीन पे होतो रख एतो सुठो गरी वो तुम गोश्त ठीक है बीफ और मटन में अगर कर रहे हैं सेम मेथड से तो बीफ और मटन में आप कच्चे पपीते का पेस्ट लगा लें उसमें दो चाय के चम्मच भर के बीफ टेंडराइजर पाउडर मिलता है नेशनल का ही मिलता है ठीक है बीफ टेंडराइजर पाउडर नेशनल का मिलता है वो आप ले लें वो एक खाने का चम्मच लगा लें सॉरी एक चाय का चम्मच आधा किलो में या फिर आप क्या करें कि पका हुआ जो पपीता हम खाते हैं फ्रूट उसका छिलका पीस के वो आप दो टेबलस्पून लगा के भी रखेंगे लेकिन बीफ और मटन को मैरिनेशन फिर आपको चार से छः घंटे कम अज़ कम बोल रहा हूँ ठीक है वरना आपको आधा दिन रखना होता है उसके बाद वो गलना शुरू होता है मैसेजेस काफ़ी सारा अचन पिया ताहिर हुसैन डायो आए हैं ताहिर हुसैन फैसा भाई कैसे हो आपका शो बहुत अच्छा है थैंक यू ताहिर हुसैन मिशेल बुखारी हैं हेलो भाई कैसे हो आप भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है हम बहुत शौक से देखते हैं हमें पेस्ट्रीज़ बनाना सिखा दें ठीक है मिशेल इंशाल्लाह पेस्ट्रीज़ बनाएंगे ठीक है बेकिंग करनी है आगे भी तो इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे और थैंक यू फॉर लाइक माई प्रोग्राम ठीक है शगुफ्ता रिजवी हैं शगुफ्ता रिजवी सलाम अदा आज की रेसिपी ज़बरदस्त अदा बेसन की बर्फ़ी सिखा दें शगुफ्ता रिजवी बेसन की बर्फ़ी पेज पे आप फ़ोटोज़ में जाएं मैंने बनाई थी इंशाल्लाह दोबारा बना दूँ ना लेकिन आपको चाहिए तो आप पेज पे फ़ोटोज़ में जाके देख लें जिस पर आप मैसेजेस करें इसी के फोल्डर में चले जाएँ फ़ोटोज़ के ठीक है सिद्रा खान अच्छा सिद्रा खान है अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है थैंक यू आप मुझे अचार गोश्त बनाना सिखा दें और सिंधी पुलाव भी बनाना बता दें सिंधी पुलाव मेरी बहन मैंने कल बनाया था आपसे शायद मिस हो गया होगा आज सुबह 11:05 पर रिपीट भी चला होगा अब आप क्या करें YouTube पे जाएं वहाँ पे सर्च करें YouTube पे कुकिंग विद शेफ फैसल सिंध टीवी HD लिखेंगे लेकिन स्पेस नहीं देना है ठीक है तो वो प्रोग्राम खुल जाएंगे उसमें कल की डेट जो गुजरी है मैं 29 थी ना सॉरी 30 थी तो 30 का प्रोग्राम आपको मिल जाएगा नहीं तो पेज पे अपलोड कर दूंगा अच्छा इसका पानी अब ड्राई हो रहा है ठीक है पानी जो ड्राई थे पियो बोनलेस जो होंगी वो 7 खां 8 मिंट में पची वी है लेकिन इन जो मसालो है दही जो पानी है इनके असा खुश करो है तो यो हाँ मैं चुल्हो तेज़ कर छो कवर हटाई छोड़ो ठीक है चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया कवर मैंने हटा दिया अच्छा चाहे तो स्क्वायर जो होते हैं स्टिक्स जो होती हैं लकड़ी की बारीक वाली आप उसमें भी कर सकती हैं इसको लेकिन ये इजी तरीका है उसमें मेहनत होती है स्टिक्स में लगाना फिर उनको पलटाना हाथ जल जाता है और अगर बारबेक्यू करना चाहती हैं आप अंगीठी पर तो आप कर सकती हैं आपकी मर्ज़ी लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट तरीका सेम तरीका फ्लेवर होता है कोई इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ये जब कलर इसका खुद ही आ जाएगा जब इसका पानी ड्राई होगा ठीक है अब इसको हल्का हल्का घुमाना है बहुत ज़्यादा इसको भुनाई नहीं करनी है ठीक है भुंजणो ना इनके बल हल्के हल्के तो हाथ हलो छकंदन जो जो मसालो है वो मुझे मथा अची वे सड़े ना मसालो ठीक है बे पासे छाता क्यों कोयलो जो है इनके रखूँ था ताकि इनकी धूनी देनी है कोयले को हम चूल्हा जला के इसको रख देते हैं ताकि कोयले का स्मोक भी देना है कॉल वठूँ था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केरे किथे हेलो हाँ हेलो ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक केरे किथा गलो पिया लालकाणी का है ना जी अदी कुछ चैन चाहिंदो हां दा मुखे पिज़्ज़ा जी रेसिपी खपे अच्छा पिज़्ज़ा जी रेसिपी खपे थोड़ो वेट कयो पिज़्ज़ा वरी मैं ठाइंदम बटे दफा मैं ठाई अच्छा सिर्फ एतरो बुढाई छड़ो तो तवे ते किए पचाए जे
तए ते ही ठाइन सिखारंदम तांके ठीक आ जी ठीक आ दी एक ब वीक वेट कयो इंशाल्लाह मैं जल ठाइंदम ठीक आ ठीक आ ओके जी मेहरबानी अल्लाह हाफिज ये देखें अब इसको मैं घुमा रहा हूँ ठीक है अब पलटाना शुरू कर दें देखें इसका मसाला ड्राई होना शुरू हो गया ऑयल जो है इसका अलग हो रहा है पानी ड्राई हो रहा है ठीक है पानी जो ड्राई थे पे इनके पलटाए छो मसालों ॾिसो पिया हाणे ड्राई थियणु शुरू थियो खुश्क थियणु शुरू थियो ऑयल मथे अची वञे ॾिसो हिन तरीक़े सां हिनखे पलटाईंदा वेंदासीं अच्छा ब्रेक जो टाइम थिए पियो मां हिनखे बसि चुल्हो बंदि करे थो छॾियां बाक़ी हिनजो जेको मेथड आहे ब्रेक खां पोइ कंदासीं ठीकु आहे बट ॾिसो ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको चिकन सां ई तयारु थी वई बिल्कुलु मां हिनखे कवर करे चुल्हो बंदि करे छॾियो हाणे हा हा अच्छा हिन में छा कंदासीं फ्रेश क्रीम विझंदासीं अधु प्याली अधु कप थोरी घटि ठीक आहे फोर टेबल स्पून फ्रेश क्रीम जाएगी जब आप देखेंगे ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया चिकन हमारी ड्राई हो गई इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे ठीक है इसको फिर 5 मिनट के लिए दम पे रखना है हल्की आंच पे मिक्स करके हल्की आंच पे आपने रख देना है ठीक है इस तरह हे आए मलाई बूटी ठीक है हल्के हथ से इनके मिक्स कर दो फ्रेश क्रीम विधि 4 खाने जा चमचा या 5 खाने जा चमचा वधिक भी ना विझो और चुल्हो बिल्कुल हल्को करणो है ताकि मलाई जो है फ्रेश क्रीम सड़े ना अगर फ्रेश क्रीम ना है तो छा कंदो जेको घर में असा खीर काढ़े रखंदा आयो थदो थी वेंदो मथा मलाई जमी वेंदी आहे उहा तव्हां कप में लाइ फ्रिज में जमा कयो हिकु कप थी वेंदी आहे ॿ दफ़ा ॿ किलो खीर में पोइ हुनखे बीट करे छॾियो चङी तरह फेटे छॾियो त उहो बि फ्रेश क्रीम जो ई कमु ॾींदी आहे ठीकु आहे उहो करे सघो था अच्छा हिते हिनखे असां कवर कयूं पिया दम ते त हिकिड़ी प्याली खणी अंदरि रखां पियो एक प्याली अंदरि रखे इसमें आपने क्या करना है कोयला उठा के जो हमने जलाया था कोयला इसके ऊपर रखें ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है पैसिफिक कुकिंग ऑयल का ड्रॉप इसके ऊपर डाल के कवर कर देना ठीक है बिल्कुल थोड़ा सा एक दो ड्रॉप पैसिफिक कुकिंग ऑयल लिया कोयले के मथा ऑयल विधो ये ऐसो धूनी इनका ठाव धूं ठाव इनके कवर कंदो आई दम ते भी अची वो चिकन भी असि दम से हली वी उनमें फ्लेवर भी अची वो स्मोक जो बारबेक्यू जो अगर फ्लेवर अगर नथा दियण चाहो कोयले जो फ्लेवर तो ज़रूरी ना है लेकिन इनका कि तक ये लगन तुम बारबेक्यू की जो खाओ पाया वाइट बूटी जो मलाई बूटी है ठीक है फ्रेश क्रीम बची वही है असा स्मूथी में विझी था छूँ फ्रेश क्रीम जो बच गई है स्मूथी में डाल देते हैं ज़ाया ना करें ठीक है हाफ पैकेट यूज़ करना है हमें इसमें अभी बनाना शुरू करते हैं नेशनल आए मुसा गड नेशनल जो अचार तमाम बेहतरीन ठीक है पूरे एक किलो जो ही पैकेट है इनके अंदर पैकेट होंगे ही पूरा जार है तुम वही सोता हाँ जी अफ्तार अचे पी रमज़ान अचे पे उनमें भी तुम यूज़ कर सोता रोज़न में भी यूज़ कर सोता चावर दाल चावर सगत तमाम सुठो लगन तो नेशनल जो अचार वो तमाम बेहतरीन इन पैकिंग में तक मिली वो ठीक है नेशनल का अचार आप ले सकती हैं अच्छी पैकिंग में है 1 kg का ये पैकेट है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अच्छा हाँ कहसी असं स्मूथी ठाईदी ठीक है इसके लिए हम लेंगे एनएक्स की ब्लेंडर एनएक्स जो ब्लेंडर ठीक है स्मूदी जो होंगी वो मिल्क शेक को ठीक है जो बनाना शेक स्ट्रॉबेरी शेक उनमें असा खीर जो इस्तेमाल में खीर जो इस्तेमाल को ठीक है इनमें विझंदी स्ट्रॉबेरी एक पा वॉश कर छो ठीक है एक पा स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह वॉश करके आप डाल दें केले इसके अंदर जाएंगे 3 अदद और अगर सिर्फ आप इसकी डायरेक्ट बनाना चाह रहे हैं स्ट्रॉबेरी की तो फिर आप बनाना नहीं डालें लेकिन बनाना से क्या होता है इसमें एक लेस आ जाती है ठीक है ये अच्छा सा इसमें अंदर फ्लेवर आ जाएगा और आप इसको बनाएंगी तो बनाना ज़रूर डालिएगा ठीक है 3 अदद मैंने बनाना डाल दिए फ्रेश क्रीम हाफ पैकेट ठीक है फ्रेश क्रीम अधा पैकेट अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तो फिर जो हम मलाई घर में जो दूध बॉयल करके रखते हैं ठंडा करते हैं उसकी मलाई जो उतरती है 2 kg दूध की मलाई आराम से 1 कप जितनी बन जाती है ठीक है अगर दूध अच्छा अच्छी जगह से ले रहे हैं
तो वो मलाई भी आप बीट करके यूज़ कर सकती हैं कि ज़रूरी नहीं आप फ्रेश क्रीम पे जाएं। चीनी 3 टेबल स्पून, अगर नहीं डालनी है तो ना डालिए। आइस क्यूब्स, हर घर में होती है बर्फ़, ये पूरा 1 कप जाएगा, ठीक है। दूध पानी इसमें कुछ भी नहीं होता है। जी यदि मुझे कॉल कई भी अलग मैसेज के पेश थे तो ये स्मूदी तांजला ठाए पे ताज़ा ज़रूर डिसजो, ठीक है। इसको अच्छा सा ब्लेंड करेंगे, इसको अच्छा सा ब्लेंड कर दें। ब्लेंड करने के बाद हम इसको निकाल देंगे, ठीक है। ये हो गई मैं स्मूदी तैयार। हालत में बताए जो ताम का पूछो न। अच्छा आ है ब्रेक, ठीक है ठीक है। ही देसो ही सफ़ा स्मूदी या गाढ़ी, ठीक है। ये इसी तरह गाढ़ी होती है स्मूदी, इसमें दूध नहीं डलता। जिनकी फरमाइश थी तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। अब रमज़ान भी आ रहा है और सीज़न वाइज जो फ्रूट्स हैं, बच्चों को आप ये बना बना के दें। घर में मलाई तो मौजूद होती है, जो हम दूध बॉयल करते हैं घर में लेते हैं तो उसकी मलाई, अगर फ्रेश क्रीम लेना चाहते हैं तो इतनी महंगी नहीं होती, ठीक है। फ्रेश क्रीम का हाफ पैकेट बाकी बचा के फ्रिज में रख दें। ये हो गए स्मूदी तैयार। तकरीबन ये 3 गिलास ही बड़े हैं तो आपके 2 गिलास में आ गया, ठीक है। ये वरना 3 गिलास नॉर्मल साइज़ के निकल आएंगे, ठीक है। 3 गिलास माण्हू काफ़ी आहे। ऐं अगरि तव्हां वॾे गिलास में विझो पिया त 2 ठहंदा जीअं हीअ आहिनि, ऐं अगरि नंढे गिलास में तव्हां यूज़ कयो पिया त पोइ असांजे बल्कि हिनजी हीअ त लॻाई कोन्हे। स्ट्रॉबेरी खे हल्को सो कट हणंदो, ठीक है। हल्का सा कट लगा के इसके ऊपर इस तरह ग्लास पे लगा दें। ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी हमारी हो गई तैयार, ठीक है। ज़बरदस्त ही तुझे सामू बिल्कुल ईजी है रेसिपी। असि चिकन भी तैयार थी भैया। चिकन ये जो प्याली रखी थी इसको निकाल देते हैं आराम से, ठीक है। कोयले को फिर बाद में आप पानी में डाल दें। हाँ चिकन असा तैयार थी हुई है। अच्छा बारबेक्यू अगर कंदा हो तो मक्खन तां ब्रश से हणजो, लेकिन इन के मथा मक्खन में ब्रश से न पो हणा, मक्खन के अंदर ही विझा पो, ठीक है। मक्खन हम 1 खाने का चम्मच भर के इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हल्का सा मिक्स करके और फिर आप इसको कवर कर दें ताकि मक्खन का इसमें फ्लेवर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार बड़ी रिची सी ये रेसिपी है, पराठे के साथ वाइट राइस के साथ बहुत ही मज़ेदार ये मलाई बूटी तैयार हो गई, ठीक है। ये तुम घर में दावत होंगी है तो उनमें तुम गेस्ट अचन था या पांजे ला भी ठाई सको था, ठीक है। एक मिनट वरी इनके कवर कंदासी छाकर मक्खन विधवा तो वो पिघरी बने थोड़ो, ठीक है। मक्खन पिघल जाए अब इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। हाँ इनके डिश आउट क्यों था। अच्छा थोड़ो ग्रेवी वांगर मां छड़ियो है, ठीक है। ये सुठो लगंदो ग्रेवी वांगर ताके अगर था बिल्कुल ड्राई करना चाहे तो बिल्कुल ड्राई भी कर सकते, ठीक है। आप लोग अगर बिल्कुल ड्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्की सी ग्रेवी स्टाइल में छोड़ा है थोड़ा सा, क्योंकि पराठे के साथ आप चपाती के साथ जब खाएँ तो बिल्कुल ड्राई बोटियाँ ना हों, ठीक है। इस तरह आप इसको सर्व करें मलाई बूटी आराम आराम से। ये कट जो बिल्कुल सुठी ईजी रेसिपी है। तुम बीफ ए मटन में ठाई तो उनमें भी तमाम सुठी ठहंदी है, मटन में खास कर ही तमाम बेहतरीन ठहंदी है, ठीक है। तो मटन में भी तुम कर सको था, लेकिन चिकन में ईजी है, इन करे मैं चिकन में ही ठाण सिखारंदो आहे। छाकाणि त मूंखे बि टाइम घटि हूंदो आहे कि मां रेसिपी तव्हांजे साम्हूं कंप्लीट कयां, पोइ हुनखे टाइम ॾियणो पवंदो आहे बीफ ऐं मटन खे। इहे हो गई हमारी पूरा मसाला, इसका ज़ाया न करें, इसके ऊपर उतार दें इस तरह, ठीक है। ये हो गया और इसको फिर हम गार्निश करेंगे बारीक अदरक जुलियन कटिंग करके। थोड़ा लेटर क्लियर करें, ठीक है। बिल्कुल बारीक कटिंग थियल अदरक इनके मथा विझी छो, ठीक है। इन तरीके से ये हमारी हो गई रेसिपी कंप्लीट मलाई बोटी। हाल ही बार टाइम बताए जो
ठीक है, ये देखें दोनों रेसिपीज हमारी हो गई डन। ठीक है ठीक है भाई, रेसिपीज असि रिपीट थे तैयार थी ब्रेक जो टाइम आयो शॉर्ट ब्रेक वो ब्रेक का पोची रेसिपी कंप्लीट कर रिपीट कराइंदम जेका मैसेजेस आएगा उनको रिप्लाई भी कंदम। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक थियण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपीज़ ठाहियूं कंप्लीट थी वयूं। मलाई बूटी स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी, ठीक है, मलाई बूटी बनाई स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी बनाई, दोनों को ट्राई कीजिएगा। मैं जो बता रहा था लिंक दे रहा था आपको, कुकिंग विद फैसल है, ठीक है, यूट्यूब पर अगर वीडियो देखना चाहती हैं कुकिंग विद फैसल है, कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD, ठीक है, शेफ़ नहीं लिखेगा तो आप वीडियोज़ देख सकती हैं। नेशनल जो अचार है, नेशनल जो अचार तमामु बेहतरीन आहे, हर जॻह अवेलेबल आहे, नेशनल जी तमामु वसी ब्रांड आहे, तव्हां ॾिसी सघो था जा मसाला तमामु बहितरीन हूंदा आहिनि, ऐं घर में खुला मसाला खां वठण खां बहितर नेशनल जा मसाला वठो। अचार हाणे रमज़ान इफ़्तार अचे पियो त अचार हर दस्तखान जी ज़रूरत हूंदी आहे, त नेशनल जा अचार तव्हां यूज़ कयो, तमामु मज़ेदार। पैसिफिक कुकिंग ऑयल में खाधा ठहंदा आहिनि, वाइटमिन ए ऐं डी खां भरपूर, कोलेस्ट्रोल खे कंट्रोल कंदो आहे, बहितरीन कुकिंग ऑयल पंहिंजनि जो प्यार पैसिफिक कुकिंग ऑयल। हाणे मैसेजिस ते अचूं था, मैसेजिस काफ़ी सारा अची रहिया आहिनि हिते। सानिया शेख ऐं सानिया शेख जो मैसेज पढ़ूं था कि सलाम अदा, इसके लिए क्रीम ना हो तो, अगर इसके लिए सानिया क्रीम नहीं है तो आपको मैंने बताया कि जो क्रीम हम घर में दूध बॉयल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई जमती है सारा दिन या सारी रात पड़ा रहता है, वो गाढ़ी सी मलाई होती है, उतार के कप में रख दें, हाफ कप आपको चाहिए होगी, इसको बीट कर दें। अगर आप विदाउट क्रीम बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं, लेकिन मलाई बोटी का टेस्ट नहीं आएगा, वो डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। एहसन रज़ा आइन, एहसन रज़ा सलाम भाई, केक भी बनाएं, ठीक है एहसन रज़ा, केक इंशाल्लाह बनाएंगे, काफ़ी सारी वैरायटी हैं केक की। धीरज कुमार आइन, हाय सर क्या हाल है, आई लाइक यू, थैंक यू धीरज सर, जो कल आपने पुलाव बनाया था वो बताएं सर प्लीज़, वो मैं पेज पर अपलोड कर दूंगा, और अभी आप यूट्यूब पे देखें, ठीक है धीरज, आप यूट्यूब पे देखें, उधर जाएं कुकिंग विद फैसल सिंध टीवी HD होगा, वहाँ पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी कल वाले प्रोग्राम की, ठीक है। पवन शम्स आहिन, अदा वज़न कम करने का नुस्खा बताएं, ये भी आपको पेज पर फोटोज़ में जाके देख लें, वज़न कम करने का जो हमने हर्बल किए थे उसके, ठीक है। ईश्वर लाल अदा, आपका शो बहुत अच्छा है, रॉ फाइल बनाना सिखाएं, ठीक है मैं बनाना सिखा दूंगा, और ठीक है ये मैं बनाना सिखा दूंगा। एंजल मून है, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, आपका प्रोग्राम बहुत आपका प्रोग्राम देख रही हूँ बट अच्छी बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं आप भाई, मुझे कढ़ाई की रेसिपी चाहिए, आप अपलोड करें पेज पर प्लीज़। एंजल मून, जो आपने आपका नाम मुझे नहीं पता, आप इसी पेज पे जहाँ मुझे मैसेजेस कर रही हैं फ़ोटोज़ में जाएं, वहाँ पे फ़ोटोज़ में आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी कढ़ाई की, चिकन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई, जो आपको चाहिए, वाइट कढ़ाई, ग्रीन कढ़ाई, ठीक है। अनम नज़ीर हैं, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, हमें चपली कबाब की रेसिपी बताएं, ठीक है चपली कबाब मैंने बहुत दफ़ा बनाए हैं, पेज पर आपको मिल जाएंगे, आप लोग इसी पेज पे जहाँ मुझे मैसेजेस करते हैं फ़ोटोज़ में जाएं, वहाँ फोल्डर्स हैं, दो तीन किस्म के 2000 के करीब रेसिपीज़ हैं, जहाँ 600 से प्लस रेसिपीज़ हैं वो सारी न्यू हैं, जहाँ 1400 के करीब एक फोल्डर में रेसिपीज़ हैं वो पुरानी वाली, दोनों को सर्च करें, दोनों में आपकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अच्छा ज़मरा इरम है, अदा प्लीज़ मुझे मीठी टिक्की की रेसिपी बताएं दें, रजब के मंथ में बनाते हैं, ठीक है 22 रजब को, ठीक है आपको मैं मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखा दूंगा अब रजब में इंशाल्लाह, ठीक है इसी में 22 को, अभी शायद आज दूसरी या तीसरी है तारीख, तो इंशाल्लाह मैं उसके हिसाब से बनाऊंगा, और बाकी अगर आपको फ़ौरन चाहिए तो पेज पे फ़ोटोज़ में जाके देख रहे हैं, ठीक है। जावेद शेख, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक, कैसे हैं, आपको भी मुबारक हो, आई एम फाइन। हाशिम जान तैमूरी, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई एंड ऑल सिंध टीवी टीम, आज की रेसिपी बहुत अच्छी है और मलाई वाली ही मज़े आ जाए, ओके ठीक है। मारिया मजीद हैं, मारिया मजीद अस्सलाम वालेकुम, योर शो वेरी गुड, थैंक यू मारिया मजीद, टुडे लुकिंग नाइस, थैंक यू वेरी मच मारिया। रुखसाना जैदी, सलाम भाई, क्या सऊदी में क्रीम के बजाय, अच्छा सॉरी स्मूदी में क्रीम के बजाय दही शामिल कर सकते हैं, वो मैंने कल जो बनाई थी
योगर्ट जो बनाया था मैंने, योगर्ट के साथ जो मैंने बनाई थी, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। लस्सी स्मूदी नहीं होती, स्मूदी में दही यूज़ नहीं होती है, उसमें क्रीम यूज़ होती है, सिर्फ फ्रूट्स होते हैं, पानी नहीं डलता, आइस क्यूब्स ज़्यादा डलते हैं, वो क्रंची सा उसमें फील होता है, बहुत गाढ़ी सी होती है। आप दही अगर डालती हैं, कल जो मैंने प्रोग्राम किया था आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, अभी अपलोड भी कर दूँगा, ठीक है, आज वो वाली भी रेसिपी, तो वो लस्सी बन जाएगी, ठीक है। सबके मैसेजेस हो गए हैं, सभी के मैसेजेस में पढ़े चले आएँ। आई कुकिंग विद शेफ़ फैसल जिते मैसेजेस कंदा है, कुकिंग विद शेफ़ फैसल मुझे पेज है, उसे रेसिपीज़ अपलोड थी सुबह जो 11 लगी 5 मिनट रिपीट हलन काश समझ नती अच्छे कुछ पूछण हो रात जो मैसेज कर सो तो मैं रिप्लाई कह सभी के पेज से आई बई रेसिपीज भी यूट्यूब से भी तक मिली वी, ठीक है, वही बुधाई छा कुकिंग विथ फैसल सिंध टीवी HD सर्च कौ यूट्यूब से अजोकी रेसिपी भी तक मिली वी, कल वाली भी मिली वी, ठीक है, सब रेसिपीज कंटिन्यू तक अपलोड मिली। खुड़सा ख्याल रखो, नेशनल जहाँ अचार वो जरूर इस्तेमाल कजो, कुकिंग जो मुझे ऑयल है जो मैं कंटिन्यू यूज़ कह पैसिफिक तमाम बेहतरीन है, हाँ रमजान अच्छे बनस्पति घी जो तमाम बेहतरीन है, फुटाइल जो मुझे किचन है जो मैं तक चाहिए तमाम फास्ट टेक्नोलॉजी है, फुटाइल जो ओवन है सब, तो फुटाइल अगर वो तो फुटाइल वो पंजो खोड़ नेशनल जो अचार तो जरूर इस्तेमाल कह हर घर में इस्तेमाल हर दस्तरखान की जरूरत है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा, ये रेसिपीज़ आप लोग को पेज पे और यूट्यूब पे मिल जाएंगी और सुबह 11:05 पर रिपीट होंगी। सुबह आने वाली मुलाकात है नहीं, तो इसने अला रिश्तों में मिलता है, हंसने से खिलता है।